अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सभी? ना कि सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल हैप्पी लाइव व्लॉग चैनल। काफ़ी दिनों बाद ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी दिनों बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। आई थिंक सो 3 या 4 काफ़ी, वाकई काफ़ी दिन हो गए। लास्ट टाइम जब ये इसका व्लॉग शेयर करके गए उसके बाद कोई व्लॉग नहीं अपलोड कर सकी और ना मैं छत पर आई, मेरी तबीयत अपनी ख़राब थी इस वजह से। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। अब जो है ना मैं छत पर आई, मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ तो करूं जाके। वैसे कि वैसे छत की हालात है, रात को कोई मुझसे पूछ रहा था कि भाई छत के क्या हालात है, तो मैंने कहा वैसे के वैसे ही हैं जैसे ब्लॉग में दिखाए थे। ओके, अभी मैं सोच रही थी कि चलो मैं ना जाती हूँ जाकर कुछ शेप्स बना देती हूँ, कुछ टेक्सचर के शेप्स बना देती हूँ ताकि वो टेक्सचर्स जो है ना धूप में ज़रा अच्छे से ड्राई हो जाए। लेकिन अभी मैं छत पर आई हूँ तो धूप ज़रा लगी हुई है, शुक्र अल्लाह का। मैं सोच रही हूँ कि पहले जो छत है ना वो थोड़ी सी ड्राई हो जाए। ये देखें ना इधर क्या था कोई पता नहीं है, इधर वो था वाइट कॉन्क्रीट वाला, उधर चारकोल वाला था, अब वो सारा का सारा एक साथ ही मिक्स हुआ पड़ा। खैर कोई नहीं, मैं अब जो है ना वो यही देख रही हूँ कि मैं क्या करूँ। लेकिन मैंने अभी ये डिसीजन लिया है कि मैं जो है ना इनको छोड़ देती हूँ ऐसे ही, आज अच्छी खासी इनको धूप लग जाए। एक दफ़ा सेकेंड टाइम आऊँगी, सेकेंड टाइम फिर व्लॉग बनाऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी फिर मैं क्या क्या करूँगी, ठीक है? फिर मैं इंशाल्लाह आज रात जो है ना वो सारी की सारी शेप्स बना के और अपना सारा जो काम है ना वो वाइंड अप कर लूँगी। ये देखे ना, ये भी काफ़ी हद तक जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो गया, बस ये बचा या वो बचा थोड़ा सा, बाकी ये बच गए अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह तेरा शुक्र है कि ये बच गए हैं, ठीक है? यही बच गए, शीट की वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा हुई है। अब शीट का भी कुछ करना है कि शीट जो है ना वो मेरी जो है ना वो प्रॉपर सही से लगे और फिर जो है ना मैं काम करूं। ये देखे प्योर मर्डर्ड का क्या हालात है, इधर भी कोई उधर भी ये वो पता नहीं क्या, सारी शेप्स मम्मा ने कल इकट्ठी करके रखी हैं। चले हम डैम क्रम्बलिंग ही कर लेते हैं अब। ये देखें इसमें छोटा सा पौधा भी उग गया, ये देखो। हिल पै ये देखें, ये ग्रे कंक्रीट इतना सही रह गया क्योंकि उसका आधा हिस्सा जो है ना वो उसके नीचे है और वो तो अब सारी बात है मिक्स हो गया। मुझे तो इस चीज़ का भी बड़ा हो रहा है कि ग्रे कंक्रीट का भी जो है ना बुरा ही हाल हो गया। बहुत थोड़ी रह गई है ग्रे कंक्रीट, ये इसका टेक्सचर था मल्टी स्टोन्स, ये मल्टी स्टोन नहीं, ये हमारा जो है ना ये वो है ब्लैक ग्रे, नहीं उसका टेक्सचर है ये प्योर सैंड की। तो ऐसे या प्योर सैंड को देखें, यहाँ तक बहकर आई है वो बेचारी। अच्छा इसके चंक्स निकालती हूँ। यहाँ पे धूप नहीं है तो मैं ना इसकी शेप्स बना देती हूँ ताकि एक आधे तो मतलब के काम जो है ना मेरा सही हो, एक आधे का जो है ना वो काम ख़त्म हो, प्योर सैंड का ही हो जाए। चलो ज़मीन पे बना देती हूँ, बारिशों का फिर से कोई पता नहीं है, लेकिन अभी ज़मीन पे ना वो छोटी शेप्स बना देती हूँ ताकि बाद में उठाई जा सके। कोई सिलिंड्रिकल शेप्स बना दूँगी, सारा तो एक साथ ही तो बेचारा वो मैं मिक्स हो गया। ये देखें किधर किधर को गया है,
चलें। आगे आए अगर जमीन देखें। ये मैं उस दिन से आज जो है ना ये टेक्सचर्स को टच किया है। शीट्स जो है वो मम्मा ने उठाई थी कल, बाकी आज मैंने टेक्सचर्स को हाथ लगाया कि मेरा जो है ना दिल भी जो है ना बड़ा बुरा हुआ था। एक तो मेरी तबीयत ख़राब, और तबीयत ख़राब में मैं आई हूँ, आकर इसको कवर किया है अच्छे से कि यार नहीं नुकसान हो जाएगा, फिर से ख़राब हो जाएंगे। बट शायद अल्लाह ताला को यही था कि भाई जो भी है ना हो गया, आप क्या कह सकते हैं। ये देखो तो ये का दी शेप भी नहीं बची कि मैं शेप को ही पकड़ के क्रम्बल करूं। ये देखा ना, यहाँ पे ग्रे कंक्रीट थोड़ा सा रख दिया था कि जगह नहीं आया, तो चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पे रहने देती हूँ। अब प्योर सैंड तो कहीं भी जो है ना वो समझ नहीं आ रही कि किधर है किधर नहीं। ग्रे कंक्रीट भी समझ नहीं आ रही किधर है। चारकोल वाले बॉल जो है वो भी बैठे हुए हैं। ये थे चारकोल के बॉल। सही है, ये देखे इधर भी ये सारा का सारा वेट हो गया। ये हमारा जो है ना वो ग्रीटी सीमेंट था। ये मिनी शेप्स बनाई थी सारी मैंने, बॉल्स और ये बड़ी अच्छी शेप्स बनाई थी। ये एक आधी बची है, इसको ड्राई होने देते हैं। बाकी थोड़ी सी यहाँ से भी बची है, ये प्योर मड डर्ट है। ये थोड़े से वाइट डर्ट के मैंने बॉल्स बना के रखे थे, ये बच गए। पानी इतना कोई था कि मैं तो 3 या 4 दफ़ा पानी निकाल के गई, लेकिन फिर भी पानी बहुत ज़्यादा था। अभी भी पानी काफ़ी ज़्यादा ही है। ये देखिए, ये मैंने मटके बना के रखे थे कि थोड़ा ड्राई हो जाएगा। थोड़ा सा ना इसको खोल देती हूँ। हवा अच्छी लग जाए, धूप अच्छी लग जाए तेज़। वैसे लगी तो है धूप, लेकिन शदीद वाली तेज़ नहीं लगी, बट लगी है। ये देखिए मैंने जंबो बॉल्स बना लिए। वाइट रेड के भी ये हालात है, मुल्तानी मिट्टी के तो बुरे ही हालात हैं। रात को मैंने थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी की जो है ना वो बैठी बैठी क्रम्बलिंग की थी। थोड़ी सी इसमें करते हैं, ये बैठी है। यहाँ पे मट भी मिक्स है और मुल्तानी मिट्टी भी मिक्स हो रही है। रात को निकाल तो दिया है मम्मा ने,
पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंद मचा हुआ है। मैं ना इसको उठा के इसी में रहने देती हूँ, ठीक है, ज़ाया तो ना हो हमारी डर्ट। मुल्तानी मिट्टी है ही नहीं है, वो आगे उसमें फिर से कुछ ना कुछ ऐड हो जाता। बाकी अब इसको इधर कर देते हैं, चले इसकी कर लेते हैं क्रमलिन। ये हमारा जो है ना मर्ड, बस ये बचा है। जनाब इतनी सारी मर्डर की क्रमलिंग कट दी है मैंने, और बाकी तो सब कुछ ही आपके सामने है। रेड रेड की भी थोड़ी सी कटते हैं, ये थोड़ा सा ड्राई है। ये थोड़ा सा शुगर है ड्राई है, यही थोड़ा सा बस ड्राई बचा है, बाकी तो सबका ही अल्लाह वारिस है। ये डैम टैक्सी इसमें फुल टप बड़ा होगा पानी का, तो इसका पानी है ना निकालना है, तो मैं ना निकाल देती हूँ, ठीक है, निकाल करना, तो फिर मैं जो है ना नीचे जाऊँगी। तो करते हैं ब्लॉग को यहीं पे एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर, बाबा टाटा, अल्लाह हाफिज़, फ़ी मानिल्ला।